बात सिर्फ आपके जामपुर की की जाए ना छिहत्तर साल से एक ही खानदान आप लोगों पे एक मुसलत बैठा हुआ है इंडस हाईवे आप लोगों का जो है वो कातिल रोड बना हुआ है जो गैस पाइपलाइन लाइन वहां बिछी हुई है मिट्टी तो उसको खा चुकी है अभी तक सुई गैस वहां पर नहीं पहुंची और जिया जो हमारा प्रेजिडेंट है और दबंग नौजवान है राजनपुर से उससे रब असला राजनपुर और जामपुर के दोस्तों शहीद से चेयरमैन पाकिस्तान चेयरमैन पार्टी आपसे मुखातिब हूँ देखें अगर बात सिर्फ़ आपके जामपुर की की जाए ना छिहत्तर साल से एक ही ख़ानदान आप लोगों पर एक मुसलत बैठा हुआ है इंडस हाईवे आप लोगों का जो है वो कातिल रोड बना हुआ है रोज़ाना किसी न किसी का एक्सीडेंट करवा के आप लोग बैठे हुए होते हैं तीसरी चीज़ आपकी जो गैस पाइपलाइन वहां बिछी हुई है मिट्टी तो उसको खा चुकी है अभी तक सुई गैस वहां पर नहीं पहुंची सवाल ये बनता है कि जनाब ये सारे फंड्स जो रिलीज़ होते हैं और सड़कें जो आपके कागजात में होती हैं वो ग्राउंड पे नहीं होती वो फंड किसकी जेब में जा रहा है और ये क्यों शख्सियत वो जी फलाने साहब थे अब उनका बेटा आ गया अब उनकी साहबजादी आ गई अब उनका पोता आ गया हम तो जनाब बाप दादा उनके गुलाम थे तो हम भी उनके गुलाम होंगे नो और जनाब कुदरती वसाइल से माला माल इलाके आज तक कोई यूनिवर्सिटी आप नहीं बना सके क्यों नहीं बना सके जानबूझ के नहीं बनाने दी गई अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो इन सारे एम एन के घोड़े कुत्ते लाया करेगा इनके हुके दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तान नजरिया पार्टी का साथ दें या आपके दुखों का मदावा बनेगी और हकीकी मैनों में एक आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे हम और जिया जो हमारा प्रेजिडेंट है और दबंग नौजवान है राजनपुर से उससे रबता करें उसका नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है उसका साथ दें ये अल्लाह ताला राजनपुर में जानपुर में आस पास के तमाम इलाकों में बहुत जल्दी एक अजीम और शान जलसा हम करने जा रहे हैं और बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलेंगे बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे काफ़ी लोग हमसे राबे में जजाक खैर